एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट टू लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था फॉर ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज बिजनेस प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर फिर हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस देख लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोफेशन। क्या आप प्रोफेशन को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो? जस्ट लाइक बिजनेस, यस, जस्ट लाइक बिजनेस इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिकॉज जब भी हम अपना जब हम प्रोफेशनल सर्विस देते हैं किसी को, तो इन दैट केस हमको इन रिटर्न में सम मोनेटरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक सीए हूं, तो मैंने किसी का रिटर्न, अभी जैसे आपको पता होगा कि 31 जुलाई, मतलब यस्टरडे वॉज द लास्ट डे फॉर अपलोडिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, दैट इज नॉन ऑडिट केस। सो बहुत सारे लोग सीए के पास आ रहे थे, सीए को बोल रहे थे अरे मेरा रिटर्न अपलोड कर दो, मेरा ये इनकम टैक्स का है वो अपलोड कर दो। तो एक्चुअली जब वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा था सीए, तो उसके बदले क्या मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस होती है प्रोफेशनल्स को? यस ऑफ कोर्स। और जब मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, तो वो किसके हेड के अंदर आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हेड के अंदर आता है। नाउ सबसे पहले हम डिटेल में ये समझेंगे कि प्रोफेशन मतलब होता क्या है। प्रोफेशन क्या ये अलग, मतलब एक सेम सर्विस जैसा है, एक नॉर्मल सर्विस जैसा है, या एक अलग टाइप की सर्विस है? तो देखो, आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो एक नॉर्मल सर्विस में और एक प्रोफेशनल की सर्विस में। तो इतना ही याद रखना, जब प्रोफेशनल सर्विस देता है, तो वो सम अपना नॉलेज, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना सम एक्सपीरियंस यूज करके सर्विस देता है। और जब नॉर्मल सर्विस होता है, तो एज सच कोई क्वालिफिकेशन या एज सच कोई डिग्री नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रोवाइडिंग यू ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो वो प्रोफेशनल सर्विस नहीं है। मेरे को ट्रांसपोर्ट, मतलब मुझे ड्राइवर बनने के लिए एज सच मुझे कोई ऐसी बड़ी डिग्री हासिल नहीं करना पड़ेगा, बड़ा नॉलेज हासिल नहीं करना पड़ेगा। जिसको ड्राइविंग आती है, वो कोई भी दुनिया में क्या बन सकता है? ड्राइवर बन सकता है। बट इन केस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, अगर आप प्रोफेशनल सर्विस देना चाहते हो, तो उसके पास आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री रहना चाहिए, रिक्वायर्ड नॉलेज रहना चाहिए, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, और इन सम केसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तभी जब वो आप सर्विस देते हो, तब वो प्रोफेशनल की या प्रोफेशन कहलाता है उस केस में, और आप जो देते हो वो प्रोफेशनल सर्विस देते हो। तो कैन आई से सेक्रेटरी इज अ प्रोफेशनल या मतलब अदर टाइप की सर्विस है? जो आपने एसपी में पढ़ा, राइट, एसपी का फर्स्ट चैप्टर सौर्य नहीं थी, बट अदर स्टूडेंट जो थे अपने एसपी में, तो मैं कंपनी सेक्रेटरी को प्रोफेशनल बोलूंगी या अदर सर्विस, मतलब अदर मतलब नॉर्मल सर्विस एक बोलूंगी? आपको क्या लगता है? एक यस प्रोफेशनल। व्हाई आर यू सेइंग दैट? बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए, याद होगा हमको क्या, हमको कौन सा एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ रहा था? कंपनी सेक्रेटरी का एग्जामिनेशन, दैट इज ICSI जो एग्जामिनेशन हेल्ड करता है, उसके एग्जामिनेशन, देन उसके बाद मुझे मेंबरशिप नंबर लेने की जरूरत पड़ रही थी, एंड देन जाके मैं किसी कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी बन सकती हूँ। तो यस, यू कैन से रिक्वायर्ड नॉलेज है उधर, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, अगर कंपनी सेक्रेटरी को उस केस में अगर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो एक्सपीरियंस भी उधर मांगा जा सकता है। तो यस, ही और शी जो भी है कंपनी सेक्रेटरी, दे कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल। ओके, नाउ जैसे हम पढ़ते हैं इस बुक में क्या लिखा हुआ है आपके, प्रोफेशन इज द दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पर्सन यूजिंग हिज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल टू रेंडर सर्विस फॉर अर्निंग सम इनकम। नाउ उन्होंने ये चीज पे बहुत मतलब गौर की है कि जब भी कोई प्रोफेशनल सर्विस देता है, बाई यूजिंग हिज क्वालिफिकेशन नॉलेज स्किल, और कौन से पर्पज के लिए करता है? फॉर अर्निंग सम इनकम। तो हम उसको क्या बोलते हैं?
हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। तो आप दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो आप इधर एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऐसा नहीं है ये स्पेसिफिकली है। नाउ अभी हम डायरेक्टली इस केस, आपको इस मीनिंग में कुछ नहीं समझा तो बोलो। आई डोंट थिंक, तो मीनिंग थोड़ा सा भी टफ था, ऐसे एकदम टू द पॉइंट था। उन्होंने बोला कि जिस जिस सर्विस में भी रिक्वायर्ड स्किल, क्वालिफिकेशन, नॉलेज की पर्पस होती है तो उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। नाउ फीचर पे आ जाते हैं। फीचर सबसे पहला एम, उसका क्या एम होता है, प्रोफेशन का क्या एम होता है। तो एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी, ऑल्सो दे रेंडर सर्विस टू देयर क्लाइंट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो सिंपल सी भाषा में जो ऊपर उन्होंने बोला हुआ है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मोस्टली प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं फॉर अर्निंग सम मनी। ऐसा कोई भी प्रोफेशन आई डोंट थिंक सो दुनिया में है जो चैरिटी करने के लिए प्रोफेशन कर रहा है। उतनी उसने हाईफाई डिग्री ली है, उतना उसने पैसा खर्च किया। अभी डॉक्टर बनने के लिए मुझे कितना सारा पैसा एमबीबीएस डिग्री में खर्चा करना पड़ता है, या पढ़ाई करनी पड़ती है, मोर ओवर खर्चा से भी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। और ये मैं मतलब ये मैं सिर्फ फ्री में करने के लिए तो नहीं करूंगी। तो प्रोफेशन का मेन एम आप बोल सकते हो कि मैं मतलब जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं फॉर अर्निंग सम मनी, ठीक है। वो उनके क्लाइंट को प्रोफेशनल एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, सम सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सम मनी, और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के अंदर क्या आएगा? सो अ पर्सन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। अगर याद होगा एसपी में मैंने आपको क्लियरली बोला था, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है या होती है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकता है, कर सकती है कि विदाउट मतलब आप आईसीआईसी के मेंबर नहीं बन के आप प्रैक्टिस या आपने जॉब स्टार्ट कर दी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आप कर ही नहीं सकते। बिकॉज एमबीबीएस डिग्री में, मतलब डॉक्टर बनने के केस में, लॉयर बनने के केस में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पे आपको वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आप प्रोफेशनल्स कहलाओगे उस फील्ड में। ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टन सेट ऑफ बॉडी। अभी इसका मतलब समझो, ईच प्रोफेशन हैज सर्टन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या बोल रहा है? डॉक्टर बनने के लिए आपको कहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? एक इंस्टीट्यूट है, क्या क्या बोलते हैं हम उसको, उस इंस्टीट्यूट को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर सुना होगा आपने, यस। फिर लॉयर बनने को, बनने के बाद आपको कौन सा बॉडी ऑफ नॉलेज के यहां, मतलब उसको मैं बोल रही हूं हैव अ सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि आपको कहां से वो नॉलेज मिलता है। तो जब भी आप डॉक्टर बनते हो तो एक तो आप एमबीबीएस की डिग्री लेते हो, ठीक है, सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज वो आपको लगता है, बायो पढ़ना पड़ता है जो भी उसमें रहता है, आपको डिटेल इन डेप्थ नॉलेज लगता है उस बॉडी ऑफ नॉलेज का। एंड देन आफ्टर दैट आपको एक मतलब इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एज अ डॉक्टर, आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाते हो। एज अ लॉयर, एज अ लॉयर आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूं। तो लॉयर बनने के बाद आपको लॉयर की प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हो जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट है इस नाम की, उधर आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, तभी आप कर सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग दैट, मतलब जो भी कॉलेज से आप कर रहे हो उस कॉलेज में आपने 4 साल की जो भी लॉयर बनने की पीरियड होता है उतना आपने कंप्लीट किया, तभी आपको वो इंस्टीट्यूट जो है आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? आईसी, ये पता है, है ना, मतलब ये पता है अपने को, ये साइंस फील्ड का नहीं पता, लॉयर तो बनना नहीं है मैम, तो अपने को सीए बनना है तो आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, यस। और क्या सीए बनने के लिए मुझे एक सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज की पढ़ाई करनी पड़ती है? ऐसा है क्या मैं कुछ भी पढ़ के मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ और फिर मैं सीए बन जाती हूँ? नहीं, एक सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज की, मेरे को पहले सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, फिर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, तो ये इसको हम सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं। दिस नॉलेज हैज टू बी एक्वायर्ड बाय सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल
ट्रेनिंग. वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस द नॉलेज इज एक्वायर्ड. तो वो बोल रहे हैं अनलेस यू डू मतलब आप ये नॉलेज, ये डिग्री जब तक नहीं लेते हो तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो. इनफैक्ट इट इज इलीगल टू प्रैक्टिस सच, मतलब ऐसे चीजें करना इलीगल माना जाता है. मतलब बहुत सारे ऐसे इंडिया में मोस्टली डॉक्टर या लॉयर पकड़े गए हैं जो फेक सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं. मतलब आपने सुना भी रहेगा न्यूज वगैरह में कि कुछ गलतियां हो जाती है डॉक्टर से जस्ट बिकॉज उसने ठीक से अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, बट उससे पहले ही उसने अपना क्लिनिक ओपन कर दिया. लॉयर ने भी ऐसा ही कुछ किया, बिन फेक सर्टिफिकेट पे लॉयर का वो अपना जो भी है उसका ऑफिस चला रहा है, तो इट इज इलीगल. तो इन्होंने बोला है कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज लेना ही पड़ता है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ थर्ड वन, फाइनेंशियल रिटर्न. जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जब मैं प्रोफेशनल के उस फील्ड में एंटर होती हूँ तो क्या मुझे उधर कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता इन रिटर्न? ऑफ कोर्स जब मैं आप लोगों को एक प्रोफेशनल सर्विस दे रही हूँ तो आई हैव अ हाई एक्सपेक्टेशंस कि उस सर्विस के लिए मुझे कुछ रिटर्न में मिलने वाला है. देखो ये एक क्लियर सी बात है, एकदम ब्लंट सी बात है कि आप किसी से प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो तो उसके लिए फाइनेंशियल रिटर्न तो वो एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा. फ्री में इधर कोई दुनिया में बैठा नहीं है सर्विस देने के लिए. सो प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विस. इनकम रिसीव बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स. अभी वो बोल रहे हैं कि जैसे बिजनेस में रिटर्न्स क्या फिक्स है? जब मैं बिजनेस करती हूँ तो मुझे कितना मंथ एंड में पैसा मिलने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्या फिक्स है उधर? ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है, वैसा ही तो प्रोफेशनल है, वो भी तो खुद का ही प्रैक्टिस कर रहा है. इधर जॉब की तरह थोड़ी ना है कि मैं जो जॉब मंथ में काम करूंगा, जो एग्रीमेंट पे साइन हुआ है 50,000 वो मुझे मंथ एंड में मिल जाएगा. इधर भी फाइनेंशियल रिटर्न जो है वो नॉट फिक्स होता है. आपको कभी कभी बहुत ज्यादा भी मिलता है, कभी कभी बहुत स्लैक पीरियड होने के कारण बहुत कम भी मिलता है. यू नेवर नो. सो प्रोफेशन कैन बी एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड. देखो उन्होंने एक और बात बोली है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो दो तरह से पैसे कमा सकते हैं. दो तरह से मतलब, एक तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि या तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ज्वाइन हो जाऊं एज अ एम्प्लॉई कि मुझे जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, याद होगा आप लोगों ने पढ़ा था ठीक है, कि कंपनी सेक्रेटरी के पास दो ऑप्शन होता है. क्या दो ऑप्शन होता है? कि वो या तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके एम्प्लॉई की तरह काम करे, ठीक है, उनको वो प्रोफेशनल सर्विस दे. दूसरा, नहीं तो वो अपना खुद का ऑफिस ओपन करे और लोगों को अपनी सर्विस रेंडर करे, प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करे. तो क्या दोनों प्रोफेशनल्स के लिए क्या एप्लीकेबल होते हैं? यस. डॉक्टर का भी वैसे ही होता है, या तो डॉक्टर क्या करते हैं किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन हो जाते हैं या तो वो खुद का क्लिनिक ओपन करते हैं. दे हैव अ टू ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ देम आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्जामिनेशन. सो अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट अ सैलरी, बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली सेल्फ एम्प्लॉयड गेट फीस. तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉई करके ज्वाइन हो जाते हैं तो उनको इन रिटर्न सैलरी मिलता है, और अगर वो खुद का ऑफिस ओपन करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो इन रिटर्न उनको काम के बदले फीस मिलता है. तो इसीलिए उन्होंने, बट दोनों के केस में क्या उनको मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस है, क्या उनको फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है? यस, यू आर गिविंग योर प्रोफेशनल सर्विस हेयर, कुछ भी फ्री में नहीं हो सकता है. सो क्लियर इधर तक? थर्ड, ओके. नाउ कैपिटल. कैपिटल मतलब क्या होता है? आप लोगों ने 11th में सबसे पहले पढ़ा होगा, सबसे पहले अकाउंट्स में पढ़ा होगा कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? यस यस, द फंड यू ब्रिंग इन योर बिजनेस फॉर इन्वेस्टिंग. ठीक है, आपको बहुत सारा असेट खरीदना पड़ता है, बहुत सारे आपको ऑपरेशनल एक्टिविटी करनी पड़ती है, फॉर दैट यू नीड सम कैपिटल, दैट इज फंड. सो क्या प्रोफेशनल को ऐसा फंड रिक्वायर्ड होता होगा? प्रोफेशनल को एंड रिक्वायर्ड होता होगा तो when they were in requirement of funds, capital. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला
कि प्रोफेशनल्स के पास कितने ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन हो जाए एज अ प्रोफेशनल, एज अ मतलब प्रोफेशनल करके ज्वाइन हो सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन है खुद का ऑफिस ओपन करे। तो जब आप जॉब करके ज्वाइन होते हो, मतलब एज अ एम्प्लॉय करके आप जॉब लेते हो, तो उधर एज सच कोई कैपिटल की नीड होती है क्या? उधर क्यों जरूरत होगी? उधर तो सारा जो एसेट है वो तो कंपनी वाला प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर लग रहा है तो वो कंपनी की कंपनी जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी। आपको मोबाइल लग रहा है, आपको लैपटॉप लग रहा है, तो ये सब जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट। आपने सिर्फ उनके साथ एग्रीमेंट बनाया कि मैं आपको प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करूंगा और मंथ एंड में मेरे अकाउंट में इतना इतना अमाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो इन केस जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हो तो कैपिटल नहीं लगता है। बट व्हेन यू प्रैक्टिस, जब आप खुद का ऑफिस ओपन करते हो, खुद का क्लिनिक ओपन करते हो, तो उस टाइम पे आपको कैपिटल की नीड होती है। जैसे डॉक्टर ने फॉर एग्जांपल अपना खुद का ऑफिस खुद का क्लिनिक ओपन किया, तो क्या मशीनरीज ऊपर से आएंगी, भगवान देगा उसे? नहीं, उसे वो खरीदना पड़ेगा। मतलब जहां तक मुझे पता है डॉक्टर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, बहुत महंगे महंगे होते हैं। आप अगर डेंटिस्ट के पास गए हो या किसी डॉक्टर के पास गए हो तो उनकी जो इक्विपमेंट्स होती है ऐसे बहुत कम अमाउंट की नहीं होती, उनको लाख्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है जब वो सोचते हैं कि उनको क्लिनिक ओपन करना है। या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज सच इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बट एक ऑफिस, एक स्पेस के लिए उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए कि एक ऑफिस हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उसके लिए उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट यह प्रोफेशन के केस में तभी सवाल आएगा जब एक प्रोफेशनल खुद अपना इंडिपेंडेंटली काम स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, समझ में आया क्या? जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तब उनको कैपिटल की नीड नहीं होती, जब वो इंडिपेंडेंटली अपना खुद का प्रैक्टिस करना चाहते हैं दैट टाइम देवर इन नीड ऑफ फंड्स या कैपिटल। सो प्रोफेशन कैन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल एक्सेप्ट जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस प्रोफेशनल रिक्वायर ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग इट्स प्रैक्टिस, इट डिफर फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। तो वो बोल रहे हैं कि जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो तब आपको कैपिटल का नीड होता है, और हर केस में, हर एक प्रोफेशन में कितना कैपिटल लगेगा वो डिफर करता है प्रोफेशन टू प्रोफेशन। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको, हमने बोला कि 50 लाख 50 लाख चाहिए तो 50 लाख ही चाहिए। किसी प्रोफेशन में कम भी हो सकता है, रीजन टू रीजन भी ये डिफर कर सकता है या प्रोफेशन टू प्रोफेशन भी डिफर कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ऑफिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने अपना ऑफिस पुणे में ओपन किया, तो मुझे पुणे में जितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या मुझे सेम इन्वेस्टमेंट मुंबई में जब मैं ओपन करूंगी अपना तो सेम इन्वेस्टमेंट लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको भी पता है उधर जो स्पेस होता है उसके लिए बहुत महंगाई है। मुंबई में हर एक स्क्वायर फीट का मतलब डबल हो जाता है। मुंबई में ज्यादा स्पेस नहीं है तो ज्यादा पॉपुलेशन भी है, उसके वजह से उधर ज्यादा डिमांड है, और ज्यादा डिमांड होता है तो प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा डिफर करता है रीजन टू रीजन या प्रोफेशन टू प्रोफेशन भी आप बोल सकते हो। सो ओके, फोर्थ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, नाउ फिफ्थ वन इज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। याद रखना, जब भी आप कोई प्रोफेशन स्टार्ट करते हो, जब भी आप किसी प्रोफेशन में होते, यू हैव टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। मैं खुद का एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मैं सीए बन गई थी तो मैंने तीनों एग्जामिनेशन क्लियर कर ली थी। क्या मैं दुनिया वालों के लिए सीए थी? बट एक्चुअली मैं तब भी सीए नहीं थी। मैंने तीन एग्जामिनेशन उनके क्लियर कर दिया था। अभी तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज होगा, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगा, रिक्वायर्ड डिग्री होगा, तो आप वो प्रोफेशन कहलाओगे। बट व्हाई आई एम नॉट स्टिल नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? बिकॉज आईसीआई ने बोला है कि आपको ये तीनों एग्जामिनेशन क्लियर करके आपको कहां पे रजिस्ट्रेशन लेना है, कहां पे मेंबरशिप नंबर लेना है आईसीएआई में। फिर मैंने जाके उनको एप्लीकेशन लिखा कि डियर आईसीएआई, आई हैव क्लियर्ड, मतलब
ऐसे नहीं लिखा, बट एक फॉर्म भरा मैंने ऑनलाइन, जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो ना, वैसे ही हमारा एक सिस्टम होता है जहां पे मैं उनको फॉर्म भरती हूँ कि यस मैंने ये रोल नंबर से एग्जामिनेशन दिया था, आई हैव क्लियर्ड माई फाइनल, सो प्लीज ग्रांट मी माई मेंबरशिप नंबर। फिर शायद 10 दिन भी नहीं लगे होंगे तो मेरे को एक उन्होंने मेरे को रजिस्ट्रेशन कर दिया आईसीआई में, और मुझे एक यूनिक नंबर दे दिया जिसको मैं मेंबरशिप नंबर बोलती हूँ। मेंबरशिप नंबर मतलब जैसे कि किसी का, जैसे आप गाड़ी का नंबर देखते हो ना, गाड़ी का नंबर कैसे अलग 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 होता है, वैसे ही हमारा हमारा जब रजिस्ट्रेशन होता है तो हमको एक यूनिक आईडी दी जाती है ताकि हम वो यूज करके ऑडिट कर सके, ताकि हमको जो आईसीआई है वो इजिली रिकग्नाइज कर सके कि ये 601960 ये नंबर से प्रीति प्रीति का रजिस्ट्रेशन है। और अगर किसी स्टैम्प पे अगर कुछ फ्रॉड वगैरह लेटर ऑन हुआ है ना, तो अगर मैंने किसी पेपर पे मेरा कॉमन सील या मेरा स्टैम्प दिया हुआ है तो वो इजिली पकड़ पाए कि यस ये प्रीति का है, नाउ उसको पूछो कि उसने ये पेपर पे क्यों साइन किया था जबकि ये तो वैलिड भी नहीं है, जबकि ये ट्रू भी नहीं है। तो वो इजिली मतलब अपने जो मेंबर्स को इजिली किसी चीज के लिए पकड़ने के लिए, या किसी मतलब उनके पास भी ऐसे होता है ना कि जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपको कैसे रोल नंबर दिया जाता है, वो रोल नंबर का यूज क्या होता है, ताकि आप जब भी आपके कुछ रिक्वायर्ड हो कि आप जब फीस भरो तो उस फीस के मतलब उस रोल नंबर के अगेंस्ट आपका जो फीस है वो इनपुट हो जाए, वैसे ही हमारा रहता है एक यूनिक नंबर रहता है ताकि वो हमको इजिली रिकग्नाइज कर सके। सो सम प्रोफेशन हैव अ काउंसिल विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ प्रोफेशनल्स, दीज प्रोफेशनल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एग्जाम्पल जैसे देखो उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर, आईसीआई फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर। तो हर किसी का अपना अपना मतलब एक बॉडी है जो उनको रजिस्ट्रेशन करवा के देता है और उनको मेंबरशिप नंबर देता है। द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन बाय रिस्पेक्टिव काउंसिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरी प्रोफेशन, एवरी प्रैक्टिस प्रोफेशनल हैव टू एक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम रिस्पेक्टिव काउंसिल। नाउ ध्यान से सुनो, अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर किसी के क्या अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे, मैंने आप लोगों को बोला था ठीक है कि जब डॉक्टर क्लियर होता है, ठीक है एज अ प्रोफेशनल क्लियर होता है या एज अ डॉक्टर क्लियर होता है, तो वो सबसे पहले क्या लेता है, शपथ लेते हुए सुना है क्या आपने, वो शपथ लेता है कि मैं जो करूंगा वो ठीक करूंगा, पेशेंट पे आज नहीं आने दूंगा, जब भी कोई मेरी पर्सनल प्रायोरिटी हो और उसके जगह पे उस तभी कोइंसिडेंटली किसी पेशेंट की इमरजेंसी हो तो मैं अपनी पर्सनल प्रायोरिटी को छोड़ के मैं पेशेंट को देखूंगा, ये ऐसे शपथ लेते हैं जब भी वो क्लियर होते हैं ना, मतलब उनका सारा सेशन खत्म हो जाता है तो वो शपथ लेते हैं। तो मतलब वो प्रॉमिस करते हैं कि जो आपने हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया हम उसको अबाइड करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, और कुछ भी मतलब इस जो हमारा जो जो वो है रेगुलेट मतलब रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब कि सॉरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके नाम पे धब्बा नहीं आने देंगे। आपको पता है ना कभी कभी क्या होता है, जब कोई डॉक्टर ने गलती से किसी का ऑपरेशन कर दिया हो, मतलब उसने कुछ तो भी ऐसा कर दिया हो जो उसने नहीं करना चाहिए था, है ना, कुछ इलीगल एक्टिविटी की, तो आपको पता है ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या करते हो, उसका नाम निकाल देते, एज अ डॉक्टर से ही उनका नाम निकाल देते कि आपने ये बहुत गलत काम किया। मतलब आपने न्यूज वगैरह सुना होगा कि एक डॉक्टर था जिसने ना कि ऑपरेशन करते करते किसी ह्यूमन बॉडी में ही उनका मतलब एक टावल रहता है उनका वो छोड़ दिया, मतलब ऐसी गलती की उन्होंने, इतनी बड़ी गलती, तो उसको तभी निकाल दिया, मतलब उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला कि आप डॉक्टर बनने लायक हो नहीं, पहले थे अब नहीं हो, तो आपका नाम इसमें से हम निकाल रहे, मतलब इस रेगुलेटरी बॉडी में से निकाल रहे, यू आर नो मोर डॉक्टर। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो भी हमको हमारे काउंसिल ने, हमारे रेगुलेटरी बॉडी, काउंसिल की जगह आप रेगुलेटरी बॉडी भी बोल सकते हो, जो रेगुलेट करती है ना उस रिस्पेक्टिव प्रोफेशन को, तो उसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और अगर हमने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया तो हमारा नाम उसमें से जा भी सकता है। मतलब एज अ सीए हमको क्या क्या सिखाया जाता है कि जब भी आप अपना बोर्ड लिखोगे कि आप सीए हो करके आपके पास मतलब आप ये सर्विस देते हो, तो आपके बोर्ड में ज्यादा कलरिंग नहीं होनी चाहिए। कैन यू इमेजिन,
आपके बोर्ड में ज्यादा कलरिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने किसी का पैम्पलेट वगैरह देखा होगा, तो आप क्या नोटिस करते हो, बहुत ऐसे लाइट कलर यूज होता है, जो कैची कैची कलर्स होते हैं ना, जो आंखों को एकदम भा जाते हैं, ऐसे कलर हमको अलाउड ही नहीं है। मतलब वो बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, और जो सीए का सिर्फ ग्रीन और ब्लू होता है ना, उतना ही कलर आपके पूरे बोर्ड में होना चाहिए। क्या उसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? सीए मतलब ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो बोलती है कि आपको क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं करना है, आपको क्लाइंट को ये नहीं दिखाना है कि अरे हम बहुत अच्छे सीए, अगर आपकी सर्विस अच्छी लगी ना तो वो आएंगे आपके पास। आपको ऐसे ये नहीं हो, आप एक बेचने वाली चीज नहीं हो आप, जो ये बोल रहे हो कि ये देखो ये कलरिंग आओ हमारे पास, ऐसा अलाउड ही नहीं है हमको। हमको सिर्फ एक सिंपल सा बोर्ड अलाउड है, जिसको आना है वो बोर्ड देख के आओ, जिसको नहीं आना है वो मत आओ, ऐसा मतलब हमको एक गाइडलाइन दी जाती है कि आप क्या क्या कर सकते हो। इनफैक्ट हमको ये भी अलाउड नहीं है कि हम इन्विटेशन कार्ड पे सीए नाम यूज करें, मतलब कोई अननोन पर्सन को अगर हम भेजते हैं तो वी कांट यूज सी ए प्रीति, वी हैव टू ओनली राइट प्रीति, क्योंकि इससे इंस्टीट्यूट को लगता है कि आप अपना क्लाइंट बनाना चाहते हो उसे। इसीलिए मैं सिर्फ अपने जाने माने लोगों को ही सी ए प्रीति इनवाइट कर सकती हूँ। जैसे मेरे घर में फंक्शन है, तो अगर मुझे किसी लोगों को इन्वाइट करना है तो जो मुझे जानता है उन्हीं को मैं सी ए मतलब सी ए ऐसे करके सी ए प्रीति करके इनवाइट कर सकती हूँ। जो अगर पहली बार मुझे मिल रहा है उस फैमिली फंक्शन में, तो उसको मैं सी ए करके नहीं इनवाइट कर सकती, ऐसा मेरे को हमको बताया जाता है। ऐसे एकदम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फाइनल्स में हमको पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अजीबो गरीब, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट बहुत सारे ऐसे। ओके, सो एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैव टू एक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव काउंसिल। सो एक बार ये रीड कर लो और मुझे बोलो इसमें कोई डाउट है क्या। जल्दी से, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। फॉर एग्जाम्पल, मधुरा एक बिजनेस कर रही है, ठीक है, नाउ शी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट बिजनेस, तो क्या वो अपना पूरा बिजनेस किसी और को बेच सकती है? या फॉर एग्जाम्पल, मधुरा वॉन्ट टू ट्रांसफर दिस बिजनेस टू हर फादर, कैन शी डू दिस? दोनों केसेस वो कर सकती है, एक अननोन पर्सन को बेच सकती है अपना बिजनेस फॉर इन रिटर्न ऑफ मनी। बिजनेस की बात कर रही हूं मैं, कर सकती है, यस और नो? बिजनेस कैन बी ट्रांसफर बट प्रोफेशन कैनॉट बी ट्रांसफर। यस, बिजनेस जब मैं ट्रांसफर करने की बात करती हूँ तो आई कैन ट्रांसफर माय बिजनेस। उसमें क्या है, मेरा एक फॉर एग्जांपल शोरूम है कार का, तो मेरे को अब वो कंटिन्यू नहीं करना है तो मैंने बेच दिया किसी और को, पैसे में बेच दिया, 50 लाख लिया उससे मैंने, उसके इस रिटर्न में मैंने उसको वो पूरा बिजनेस बेच दिया। बट द क्वेश्चन इज, जब आप एक प्रोफेशनल रहते हो तो क्या आप अपना प्रोफेशन बेच सकते हो? कितना अजीब लग रहा है, डॉक्टर क्या अपनी डिग्री बेच सकता है क्या कि अब मेरा मन नहीं कर रहा तो काम कर, मैं अपने दोस्त को ये डिग्री दे देता हूं? ये डिग्री क्या है? ये डिग्री आपके नॉलेज के लिए, आपने क्वालिफिकेशन, आपने सारी चीजें पढ़ाई की है तो ये आपको दी गई है, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते ये। सो इसमें सबसे मेन करेक्टरिस्टिक यही है कि प्रोफेशन इज नॉन ट्रांसफरेबल, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन और ऑन विल ऑफ प्रोफेशनल। एग्जाम्पल, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन। नाउ एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, उसका बच्चा भी डॉक्टर है सेम फील्ड में, ठीक है, जो भी डेंटिस्ट वगैरह, जो जितने भी ऑर्थोपेडिक ये सब रहते हैं ना, तो उसी फील्ड में वो दोनों डॉक्टर है। नाउ ये बहुत सालों से 30 सालों तक प्रैक्टिस कर रहा है, अपना क्लिनिक चला रहा है। नाउ अब वो बुढ़ापा आ गया उसको, तो वो अब ट्रांसफर करने का सोच रहा है, अपना प्रोफेशन पूरा ट्रांसफर करने का सोच रहा है सन को। कैन ही डू सो? कैन नाउ ही डू सो? यस, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज
उसके लड़के के पास सेम डिग्री है, सेम डॉक्टर की डिग्री है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर इसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं होती तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता था। अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ोगे तो उधर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन। अगर उधर लिखा रहता इन एनी केस ही कैन नॉट ट्रांसफर, तो हम इस चीज को भी पॉसिबल नहीं कर सकते थे। मतलब उसका डॉक्टर जो बेटा है उसको भी वो ट्रांसफर नहीं हो सकता था। बट इधर है, वैसे ही चार्टेड अकाउंटेंसी के केस में मैंने लाइव एग्जाम्पल देखा है। एक फादर का 30-35 साल से प्रैक्टिस था ना, अब वो बुढ़ापा आ गया तो वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसने अपना पूरा का पूरा वो क्लीन जो भी वो ऑफिस था वो ट्रांसफर कर दिया अपने लड़के के पास में। तो हो सकता है ये, वाई नॉट। तो ये नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का। नाउ सेवेंथ वन इज, इसके बाद क्या, हाँ नाउ सेवेंथ वन इज नेचर ऑफ वर्क। अभी ये ना, नेचर ऑफ वर्क में ऐसा कुछ अलग नहीं है, जो आपने पहला पढ़ा था ना, या फाइनेंशियल रिटर्न या एम, उसी की तरह है। बट मैं आपको थोड़ा अलग समझाऊंगी। नेचर ऑफ वर्क मतलब क्या है कि हर एक प्रैक्टिस में जो उनका काम रहता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। वो फीस चार्ज करते हैं, सब क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, बट सबका जो नेचर रहता है काम करने का वो अलग अलग रहता है। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, क्या सेम नेचर के काम करते हैं? नहीं, उनका काम करने का, जैसे आर्किटेक्चर भी एक प्रोफेशनल है, तो वो भी जो काम करते हैं वो अलग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं हर अलग अलग फील्ड में वो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, सेम काम नहीं करते। सो प्रोफेशनल्स चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विस। एग्जाम्पल, एन आर्किटेक्चर डिजाइन द लेआउट ऑफ द ऑफिस फॉर फीस। वो कॉमन फीस जरूर लेते हैं, है ना, पैसा जरूर चार्ज करते हैं सेम तरीके का, बट उनका जो सर्विस रहता है, उनका जो नेचर ऑफ वर्क रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विस ऑफकोर्स अलग किस्म की रहेगी एज कंपेयर टू डॉक्टर की सर्विस। तो वही उन्होंने लास्ट में बोला है, नेचर ऑफ वर्क। क्लियर और नॉट? ठीक है। सो इतना हो गया हमारा प्रोफेशनल और बिजनेस का हो गया। नाउ यू यू ऑल हैव अ होमवर्क, प्लीज ध्यान में सुन लो। जितना भी हमने बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, हमने जितना भी ये प्रोफेशनल का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्न होना चाहिए। मैं किसी भी लेक्चर में आपसे ये ओरल एग्जामिनेशंस ले सकती हूँ। ऐसा नहीं हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे का आप भूलते जाओ। सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर एसपी चैप्टर नंबर वन ऑल्सो। वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने से पहले आपका एक ओरल टेस्ट भी लेने वाली हूँ। कि मतलब मैं रिटन टेस्ट जानबूझ के नहीं लेती हूँ, क्योंकि बच्चे देख के लिख लेते हैं, बट मैं ओरल टेस्ट लूंगी ताकि मुझे भी समझ में आए कितना आप कर रहे हो और कितना नहीं कर रहे हो। तो आज हम इतना ही करेंगे और टुमारो विल स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्शन, ठीक है। तो हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, दैट इज वाई मैं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि इसको स्टार्ट करते करते टाइम हो जाएगा, फिर लिंक कल लिंक नहीं बन पाएगी, इसके लिए हम मैं बोल रही हूँ कि कल ही स्टार्ट करते, ठीक है, चलेगा? ओके ओके, चलो फिर बाय। और 12 बजे सर का लेक्चर है। बाय 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 बाय।